अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ स्पेगेटी अदील की फरमाइश पे, क्योंकि अदील ने कहा मुझे स्पेगेटी खानी है आज, इतने दिनों से लेके रखी हुई थी। तो आज फाइनली हम बना रहे हैं, और चिकन के बगैर बना रही हूँ क्योंकि चिकन नहीं है और कोई है भी नहीं घर पे कि चिकन लेकर आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्पेगेटी बनाना। मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, जब चिकन होती है तो पहले मैं लहसुन को ब्राउन करके और उसमें चिकन डाल देती हूँ, लेकिन आज चिकन अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं लहसुन को ब्राउन करने के बाद। और इनको सबको मैं सोते करूँगी और फिर मैं शामिल कर दूँगी इसमें सोया सॉस और चिली सॉस, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही शामिल करूँगी क्योंकि अदील खाएगा तो उसको ये टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। और उसके बाद मैं इसका मसाला डालूँगी जो इसके साथ मिलता है स्पेगेटी के साथ, और उसके बाद स्पेगेटी डाल दूँगी और इसको कर दूँगी मिक्स। और ये मज़ेदार सी स्पेगेटी बनके तैयार हो गई है। और स्पेगेटी बनाने के बाद उसके बाद मेरी बहन की आ गई थी फ्रेंड्स, बहुत माशाल्लाह से अच्छी थी। और उनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी लेकिन वो वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई क्योंकि अदील मेरा मोबाइल यूज़ करता है, दील, पता नहीं कैसे वो क्या डिलीट कर कर रहे हैं देता आप? है। और वो उसके लिए चॉकलेट खाने लेकर आई वाले? थी अदील के लिए चॉकलेट्स ओ, ये लेकर आई थी चॉकलेट जो किसने दिए आपको थे? अदील दिखा रहा है अभी। हाँ, आप ही को किसने दिए थे? वेरी गुड, नेक्स्ट आने चाहें दो। 7 का बुकड़ो नंबर है। हाँ, चाहें दो 1। वेरी गुड, चलो लिखो। हलो हलो हलो, वेरी गुड। आने यो चाहती हो 1-8? अल्टिका आने लिखो, नेक्स्ट लिखो। वेरी गुड, हाँ चाहो। हाँ 9 का पो चाहिए। नहीं, लास्ट वाला हरूफ कौन सा है? आपको नहीं पता है? क्या है? तो आपने देखा कि अदील कैसे मस्तियों में पढ़ता है मेरे साथ। मैंने इसको कोई ट्यूशन वगैरह पे नहीं लगाया हुआ, खुद ही पढ़ाती हूँ मैं इसको, और माशाल्लाह से मुझसे ये पढ़ भी लेता है। और अदील के बाबा अभी अभी आए हैं और उसके लिए वाटर कलर लेकर आए हैं क्योंकि इसने कॉल करके कहा था कि बाबा आप आओ तो मेरे लिए वाटर कलर ज़रूर लेकर आना क्योंकि मुझे भाई पेंटिंग करनी है अब। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है माशाल्लाह से, देखे आप। अदील के बाबा अभी आए हैं टंडो अलाहार से, और वहाँ से लेकर आए हैं मज़ेदार सा गर्मा गर्म सूप। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि बचपन में हम जब भी जाते थे टंडो अलाहार तो ये वाला सूप सर्दियों में हम ज़रूर पीते थे। तो हम कर रहे हैं आज बचपन की यादें फिर से ताज़ा, और मैं और अदील साथ में पी रहे हैं यहाँ पे सूप। और बस मेरी आज की वीडियो बिल्कुल छोटी सी थी और मुझे बहुत खुशी होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको भी अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। और मिलेंगे इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें मैं कर रही हूँ डिनर, और जिसको भी करना है मेरे साथ आ जाएं वो कर लें डिनर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।